देख रहे हैं, मैं हूँ वज़ीर अहमद ख़ान। इस वक्त ब्लॉक चसाना की पंचायत हल्का कुंडरदान ए में यहाँ पर हमारे साथ मुंतज़िम मोहम्मद ख़ान नाम का यंग लड़का है, वो बात करना चाहता है। तो आखिर हम पूछते हैं उनसे और सुनते भी हैं उनकी आवाज़ कि वो क्या कहना चाहते हैं और उनका आखिर मुद्दा क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुंतज़िम ख़ान है, मैं ब्लॉक चसाना के एक पंचायत कुंडरदान ए से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आज का हमारा मुद्दा है और हमारी मजबूरी यहाँ पर हमें लेकर आई है कि ये जो देखा जाए तो बहुत जल्द माह रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है और 6 या 7 मई से पहला रोज़ा भी रखा जाएगा जो कैलेंडर के मुताबिक जो डेट दी गई है इसमें। और हम ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं, पुरजोर अपील करते हैं कि ये जो दुकानें हैं यहाँ की लोकल दुकानें हैं इन पे बहुत ही ज़्यादा लूट घसूट चल रही है। लूट घसूट जो है आसमानों की बुलंदियों को छू रही है और जो माह रमज़ान में खरीदे जाने वाली ज़्यादा चीज़ें एशिया जो हैं वो यही हैं, चिकन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो खरीदी जाती हैं, तो इन पर जो है इनके अपने रेट आयद किए गए हैं। और उनसे अगर हम पूछें कि उनसे अगर पूछा जाए कि जनाब ये क्या हो रहा है तो उनका यही जवाब होता है अगर खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना है तो यहाँ से चले जाओ। और हम ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि इन चीज़ों पर जो है ख़ास तवज्जो दी जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, कहीं ना कहीं यहाँ के यूथ्स को जो आज के जवानों को अपनी पढ़ाइयों को तर्क कर कर सड़कों पर इनके खिलाफ कॉन्टेस्ट ना करना पड़े और यहाँ पर अपने दिनों को अपनी पढ़ाइयों को बर्बाद कर कर कहीं सड़कों पर ना उतरना पड़े। और इसमें जो भी वहाँ पर जो भी नाखुशगवार वाक्य अगर पेश आता है तो उसके ज़िम्मेदार भी हमारे ज़िला इंतज़ामिया ही होंगे, क्योंकि आज तक यहाँ पर देखा गया है कि बच्चों के साथ जो है बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी की जाती है और उनको एक्सपायरी डेट्स में मिक्सचर्स वगैरह जो भी बच्चों की खाने की अशियाएँ उनको फ़रोख्त की जाती हैं। और हमने काफ़ी यहाँ पर देखने को मिला है कि साल दो दो साल डेढ़ साल पुरानी चीज़ें हैं और उनको आज जो है फ़रोख्त किया जाता है और बच्चों के साथ जो है खिलवाड़ किया जाता है और इस चीज़ का बच्चों की सेहत पर भी जो है बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं, मीडिया के पास आए हैं और हमने अपनी बात लेकर आए हैं ताकि हमारी बात को आगे पहुंचाया जाए, ज़िला इंतज़ामिया तक पहुंचाया जाए और वो इन चीज़ों पर जो है कार्रवाई करें, इन चीज़ों पर जो है रोक लगाएं। और एक बात और कि रमज़ान का महीना जो है अनकरीब आने वाला है, रमज़ान मुबारक का महीना आने वाला है और उसमें जो है सुबह 4 बजे सहरी का वक्त होता है और शाम को 7 बजे अफ्तार का वक्त है और इन वक्तों में ज़्यादातर लाइट कटौती और पानी की कोई समस्या ना हो और जिससे जो है यहाँ के लोगों को उनको परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। और हम शुक्रगुजार हैं यहाँ की मीडिया के, उन्होंने हमारी बात को सुना और आगे तक भी पहुँचाएगी और हम शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज़। तो आप देख रहे थे।